subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हेलो लिस्नर्स, आज का टॉपिक है, टुडे का आज का जो टॉपिक है वो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक है, चैप्टर फर्स्ट। इसके पहले भी हम वीडियो में देख चुके हैं, वीडियो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हो। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स पे चर्चा करेंगे। किस पे? फंडामेंटल राइट्स। इसके पहले हम की फ्यूचर्स देख चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके पहले के वीडियो में। आज देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। सबसे पहले फंडामेंटल राइट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन साइंस माना जाता है, क्या माना जाता है, कौन साइंस, जिसका कौन साइंस का मतलब होता है आत्मा। तो जो सोल है किसी भी इंडियन भारतीय संविधान का, सोल किसको माना जाता है, फंडामेंटल राइट्स को। क्लियर, फंडामेंटल राइट्स को माना जाता है, मौलिक अधिकार को। जो देशवासी हैं वो चाहते थे, वांटेड टू इंसर्ट सेट ऑफ रिटन राइट्स, एक रिटन राइट होना चाहिए, लिखा हुआ अधिकार होना चाहिए जो कि उनको सुरक्षा प्रदान करे। किसके लिए? जो बड़े बड़े लोगों के हाथ पावर होता है, स्टेट पावर, जो स्वतंत्र इंडिया में जो स्टेट पावर है उसका वो लोग मिसयूज ना कर सके, है ना, दुरुपयोग ना कर सके, इसीलिए उनके एक रिटन राइट्स होना चाहिए, कुछ फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो गारंटी देता है इस बात का, राइट ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट मेजोरिटी, कोई भी मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी के ऊपर हावी नहीं होगा, डोमिनेट नहीं होगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स। पहला बात, राइट बन गया तो अब हर एक नागरिक जो है भारत का, जितना भी भारतीय नागरिक है, इंडियन सिटीजन्स, वो उस अधिकार से क्लेम कर सके, है ना। और फिर सेकेंडली, दिस राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट पावर टू मेक लॉ। ये लॉ उन पे भी लागू होना चाहिए, सिर्फ हम ही लोग पे लागू नहीं होना चाहिए, ये आम आदमी पे ही सिर्फ लागू नहीं होना चाहिए, उन पे भी लागू होना चाहिए जो जिनके हाथ में पावर है कानून बनाने के, उनके ऊपर भी ये लॉ लागू होना चाहिए, है ना, लॉ जो है वो लागू होना चाहिए। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में हम देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी के बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं, ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो भी सदस्य थे उनके द्वारा डिजाइन किया गया है। किस लिए? टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक चेंजिंग में और ग्रेटर सोशल सामाजिक बदलाव के लिए जरूरी है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला, टू प्रमोट इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक्स में होता है आर्थिक न्याय के लिए इसको बनाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, है ना, जो भी 14 ईयर्स के नीचे जो भी आते हैं चिल्ड्रन, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, सुरक्षा प्रदान करना। एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है क्या, उनसे कम एज में काम करवाना, है ना, जैसे चाइल्ड लेबर हो गया, ये सब किस में आता है, एक्सप्लॉयटेशन में आता है, चाइल्ड लेबर। फिर टू सिक्योर इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन, मेन और वुमेन दोनों के लिए एक समान पे होना चाहिए, मतलब कि वेतन होना चाहिए। टू प्रोवाइड इक्वल मींस ऑफ लिवलीहुड टू ऑल सिटीजन, जितने भी भारत के नागरिक हैं सभी लोग को रहने के लिए, है ना, बराबर का अधिकार होना चाहिए। टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली मटेरियल रिसोर्स टू ऑल, सभी के बीच में मटेरियल का जो बंटवारा है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना, सभी के बीच, चाहे वो मेजोरिटी ग्रुप के हों या फिर माइनॉरिटी ग्रुप के हों। ओके, फिर आता है टू प्रमोट वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को प्रमोट करना, बढ़ावा देना। टू हेल्प सिक, कमज़ोर लोगों का सेवा करना, जो अनएम्प्लॉयड है, जो बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड मतलब जिनके पास कोई काम अभी नहीं है, उनको क्या कहते हैं, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड, या फिर एज्ड पर्सन, है ना, एज पर्सन में 60 प्लस में जो भी आते हैं वो सब एज पर्सन। फिर टू प्रमोट एजुकेशनल सिस्टम, पढ़ाई के सिस्टम को भी सुधार करना। टू प्रमोट केयर फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के सुरक्षा के लिए भी प्रमोट करना।
टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट लाना है ना, फिर टू ऑर्गनाइज एग्रीकल्चर, खेती में भी इम्प्रूवमेंट लाना, और एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री लाइक एपीकल्चर, ये सब क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों को पालना, जैसे एपीकल्चर में मधुमक्खी को पालन करते हैं, है ना, मुर्गी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ईटीसी, और भी बहुत सारे, फिशिंग हो गए हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फिर कुछ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स होते हैं, शराब होते हैं, अल्कोहल, शराब हो गया, सबको बैन करना। फिर टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक सिस्टम, प्रजातांत्रिक सिस्टम को भी बढ़ावा देना है ना। फिर टू प्रिजर्व आवर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल कल्चरल हेरिटेज में क्या आते हैं, जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गए बहुत सारा पहले का जो बनाया हुआ है उसको प्रिजर्व करना, मॉन्यूमेंट लाइक ताजमहल, सब क्या है, मॉन्यूमेंट्स है पहले का बनाया हुआ है, कुतुब मीनार हो गया, लाल किला, रेड फोर्ट, सब क्या है, पहले का मॉन्यूमेंट्स है, इसको प्रिजर्व करना भी इसी में आता है। आई होप ये आप वीडियो को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, लाइक राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली। बाय बाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।